Hi guys, so I'm back again and thank you for your response. You know, last time we discussed about rainy season. मैंने बोला था मेरे comment box में आप जो कुछ पूछना चाहें, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी. Thank you so much. And मेरे WhatsApp पे भी बहुत सारी चीजें हैं. And से पहले मैं आगे बढूं, I again request, please share, like, subscribe to the maximum people. जितने लोग सीख पाए उतना अच्छा है. This is my request. And now we come to the next part. मुझे बहुत लोगों ने पूछा सर कुछ ऐसी चीज करते हैं जो बहुत आप अभी वोकैबुलरी की बात करो बट हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कई बार हम नहीं बता पाते उनके बारे में. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारा शरीर यू नो आवर बॉडी एंड इफ वी डू नॉट नो द वर्ड्स वोकैबुलरी सेंटेंसेस रिलेटेड टू बॉडी व्हाट टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बॉडी से बहुत सारी सारी चीज बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ विजुअल होती हैं जैसे मेरा सर दर्द से छोटा जा रहा है ना और आँख फड़क रही है नहीं जो हमें बेसिक चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में नहीं बता होती बहुत सिंपल होते हैं उनके सेंटेंसेस माथे में बल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं. तो वी डिस्कस एवरी एस्पेक्ट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वुड वांट दैट एवरीबॉडी शुड वॉच इट. और आप जितने लोग तो पता बिकॉज ये सबकी जिंदगी में होना है सभी की. हो सकता है कुछ हमने ऑफिस मार्केट वो सबकी लाइफ में नहीं होती है बट ये हर एक की लाइफ में हर एक तक पहुंचे तो बेहतर है. थैंक यू सो मच. आई स्टार्ट अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन टू माय व्यूअर्स टू माय ऑडियंसेस एंड एवरीवन इज वाचिंग इट. एनीवेज सबसे पहली बात हम करते हैं हेयर. यू नो सबसे ऊपर शरीर में बाल होते हैं यू नो बड़े पिक्चर भी एक बाला पिक्चर भी आई थी बड़े गाना बड़ा जो बाला उबाला तो उससे पहली बात हम बालों से करते हैं. बाल पक रहे हैं मेरे. अब वो पकना होता है करछी में पकना है ना दैट इज डिफरेंट बट बाल पक गए हैं बाल सफेद हो गए तो हेयर टर्निंग ग्रे जी आर ए वाई भी ले सकते हैं. हाँ हेयर टर्निंग ग्रे बाल सफेद होते जा रहे हैं. सफेद बालों वाला ग्रे हेयर पर्सन. ग्रे हेयर पर्सन सफेद बालों वाला हमारे बहुत सारे नेता भी हैं मैं नाम लेता हूँ. अच्छा ग्रे हेयर पर्सन आ जाए ग्रे हेयर होगा एच डी ठीक है. ब्लॉन्ड कौन होता है जिसके गोल्डन हेयर हो फेयर कॉम्प्लेक्शन हो. पहले जमाने में विदेश बहुत सारे फॉरनर्स होते थे बाबी डॉल को मैं बोलता हूँ शी इज़ अ ब्लॉन्ड. सो ब्लॉन्ड होते हैं द पीपल दोज आर द पर्सन स्पेशली फॉर फीमेल दोज आर फेयर एंड हैव गोल्डन हेयर. ब्रूनेट ब्रूनेट इज फॉर हैविंग ब्राउन हेयर लाइक इंडियंस आर मोस्ट ऑफ द इंडियन फीमेल्स आर ब्रूनेट. सो ब्रूनेट इज फीमेल हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन अगेन डार्क ब्राउन और ब्राउन है. बॉल्ड बॉल्डनेस एलोपेशिया में बहुत पिक्चर बनी हुई उजड़ा चमन और बाला एंड ऑल दैट यू नो बहुत एक हॉट टॉपिक था यंगस्टर्स में इसको हम कहते हैं एलोपेशिया का एक टर्म भी है. सो बॉल्डनेस होता है बॉल्ड हो गया गंजा बॉल्डनेस हो गई गंजापन. एलोपेशिया भी वही प्रॉब्लम होती है जब आपके बाल कम हो रहे हो रिसीडिंग माई हेयर रिसीडिंग रिसीडिंग इज हरी सी डी आई रिसीडिंग जब कम होते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन यहाँ से कम होने शुरू थैंकफुली अभी ठीक है. तो पिल गार्लिक जो कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग पैटर्न बॉल्डनेस होती है यहाँ से बाल करना यहाँ से करना तो होती है पिल गार्लिक. एलोपेशिया भी सेम चीज़ है बॉल्ड हो गया कंप्लीट गंजा जैसे मैं अनुपम खेर साहब का नाम ले सकता हूँ पूरा नाम बट वो है तो दैट इज व्हाट वी कॉल लॉक. लॉक्स इनफैक्ट एस लगेगा लॉक और फ्लिक्स लॉक और लट लट. आई रिमेंबर जब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो व्हेन आई वाज इन कॉलेज दिल्ली सो द ओनली वे दैट पीपल कुड पास ऑन द मैसेज उस टाइम में एक ट्रेंड आया था दैट दे यूज्ड टू कट द फ्लिक कट द लॉक एंड सेंड इट टू द दैट योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. सो लॉक फ्लिक्स हो गए लटे जुल्फे गाना भी होने जब जब जुल्फे तेरी द वे योर फ्लिक्स फ्लाई है एंड फ्लिक्स मूवीज को ही बोलते हैं. एक प्रोग्राम मुझे चैनल तो नहीं मालूम बट मैं देखता चिक्स ऑन फ्लिक्स. सो दो गर्ल्स थी दे यूज टू टेल अबाउट मूवीज सो फ्लिक इज अ मूवी ऑल्सो फ्लिक इज अ लट और जुल्फे ऑल्सो. हर्सूट इज एक्चुअली एक गाना है इस बार में फिर बार बार बोल रहा हूँ बारह हजार एक बात हो रही है. एक तो हेयर्स नहीं होते हैं हेयर्स एक ईडियम है उसमें हेयर्स जो होता है मैं बताऊंगा अभी आपको आगे बाकी अदरवाइज हेयर्स का मतलब हेयर इटसेल्फ इज अ प्लूरल. तो आपके बाल लंबे हेयर आर लॉन्ग हेयर्स आर लॉन्ग नहीं होगा क्रॉस कट जो तो हर्सूट होता है
जिसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इनफैक्ट कहते हैं बड़े किसी किसी के होते हैं, जैसे अनिल कपूर साहब बड़े फेमस हैं, कहते हैं यार मुझे लोग कहते हैं यार मैं बहुत बाल, ऑफकोर्स देखा भी है, मैं किसी के बारे में फिर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं कि शरीर में बहुत बाल हेरी होती है बॉडी, तो हेड सूट, तो लॉट ऑफ हेयर होंगे, हेयर्स नहीं होंगे, और हेड सूट दैट पर्सन, इसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। मुहावरे एक्सप्रेशन जो भी हेयर से रिलेटेड सारी बातें ऐसे करने वाले हैं, आपको लगे कुछ तो छोड़ देते हैं, तो हम सारे कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आप एंजॉय करिए। हेयर रेजिंग क्वेश्चन भी होता है, हेयर रेजिंग प्रॉब्लम भी होती है, रोंगटे खड़े हो गए, बाल गूस बम्स बोलते हैं, बाल में हालत खराब हो गई, डर गया मैं, आई मेड हेयर स्टैंड ऑन एंड, व्हेन यू सी अ हॉरर मूवी, व्हेन यू सी अ हॉरिफाइंग सिचुएशन, अभी दो दिन पहले मेरे घर के पास सांप था और सब ने देख के एकदम रोंगटे खड़े हो गए, सब घबरा गए, सो दैट इज मेकिंग द और इज हेयर रेजिंग सिचुएशन, हेयर रेजिंग प्रॉब्लम, हेयर रेजिंग क्वेश्चन कहता है, एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता क्या है ये, दैट इज हेयर रेजिंग सिचुएशन और रेजिंग क्वेश्चन, तो यू कैन मेक अ सेंटेंस दैट यू नो व्हेन आई सॉ द स्नेक नियर माय हाउस इट माय हेयर गॉट रेज्ड एंड इट वाज इट मेड माय हेयर स्टैंड ऑन एंड, दिस आर यूनिक सेंटेंस। नेक्स्ट हेयर ट्रिगर सिचुएशन होती है, हेयर ट्रिगर पॉइंट होता है, जरा सी बात पे जब बात तूल पकड़ लेती है, हेयर ट्रिगर कमेंट होता है, हेयर ट्रिगर कोई भी चीज जो प्रोवोक कर दे आपको, जो आपको इंस्टिगेट कर दे, जो आपको किसी चीज करने के लिए उत्सुकता बढ़ा दे, दैट इज कॉल्ड हेयर ट्रिगर। सो लाइक सपोजिंगली यू नो व्हेन आई वाज पार्किंग माय कार एंड इट got rammed into some bike, he started shouting, it was a hair trigger situation, the hair triggered it, the hair trigger situation, or it triggered the hair, so koi bhi ye situation jo ekdam se badh jaye kuch problem, hair's breath, ab yahan pe s lag gaya but ye hair ka hai, no hair's breath, ab hair's breath means bahut, jise hamare Kapil Sharma sahab kehte hain ittu sa, इतू सा जरा सा रह जाए, बाय विस्कर बाय लिटिल मार्जिन, द मोस्ट नेग्लिजिबल मार्जिन कॉल्ड हेयर्स ब्रेथ, लाइक क्रिकेट में हम देखते हैं द बॉल द बैट मिस द बॉल बाय हेयर्स ब्रेथ, इतना सा रह गया, या आप जीत जीत लास्ट मोमेंट पे इतने से रह जाए, दैट इज हेयर्स ब्रेथ। हेयर ब्रेन होता है बिल्कुल नॉनसेंस, इट वाज अ हेयर ब्रेन सेशन, मेरे सेशन की मैंने बात बोली है, बहुत बुरा मानना हूँ, हेयर ब्रेन सिचुएशन, हेयर ब्रेन स्कीम्स, जिसको आप लगे क्या फालतू की बात है, एक है कि मेरे जानकार है मेरे समझ जाएंगे, ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो वो रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, वो पैसे आएंगे तो हम ये करेंगे, हम कागज़ का प्लान लगा देंगे, हम पानी का प्लान लगा देंगे, हम होटल खोल लेंगे, हम ये कर लेंगे, सो आई थिंक ही इज़ अ हेयर ब्रेनर एंड स्कीम्स आर हेयर ब्रेन स्कीम्स, तो मैं उनको सो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हेयर ब्रेन स्कीम, सो प्लीज मेरे को कुछ नहीं आना, मैं ऐसे मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, टू स्प्लिट द हेयर और हेयर स्प्लिटिंग हेयर्स, यहाँ पे हेयर्स आ गए, स्प्लिटिंग हेयर्स और टू ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हेयर्स लगता है, स्प्लिटिंग हेयर्स और टू स्प्लिट द हेयर, बाल की खाल निकालना मीन्स छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी उसमें मीन मेक निकालना, कुछ वेरी सेंसोरियस कैप्रिशियस फॉल्ट फाइंडिंग, इतनी सी ये हुआ तो क्यों, इसमें देखो और क्या क्या हो सकता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब इतनी सी बात को भी इतना बड़ा कर देना, दैट इज हेयर वी कॉल इट स्प्लिट द हेयर, बाल की खाल निकालना, जस्ट यू फाइंड आउट फॉल्ट फॉर द हेक ऑफ फाइंडिंग आउट, लाइक पुराने जमाने में होता था कि वो कोई भी चीज़ होती थी तो वो लोग इसकी तह तक जाने के लिए ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, तो इसमें लोग कहते थे इफ आई आर स्प्लिटिंग द हेयर, सो दैट इज व्हाट, टू हार्म अ हेयर ऑन द हेड, नॉट हार्म अ हेयर ऑन द हेड टू कम आउट अनस्कैथ्ड, नॉट हार्म अ हेयर ऑन द हेड, एक बहुत बहुत फेमस गाना भी है, जाकर आके सैया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जब भी बैरी हुए, मतलब आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इफ गॉड डजंट वांट नथिंग विल हैपन, तो भाई कई लोग जाते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम में होते हैं, बड़े बड़े वॉर में जाते हैं बड़े बच जाते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं बच जाते हैं,
अभी मेरे एक जानकार थे, उनके कजन का हुआ, वो कार बहुत डिस्ट्रॉयड, सबोटाज, बट पॉइंट इज वो बिल्कुल साफ थे, कुछ नहीं हुआ. तो दैट इज द सिचुएशन, दैट इज लाइन फॉर हिम, नॉट हार्म हेयर ऑन द हेड, और ही केम आउट अनस्कैथ्ड, मतलब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. सो यहाँ जो नेक्स्ट पार्ट जो भी रह गया है, हेयर से भी सारी बातें होंगी, कोई बाल नहीं छोड़ूंगा मैं. ठीक है, नेक्स्ट. क्लोज शेव और अ नैरो स्किन, वो भी होता है, बाल बाल बच गए, इट वाज अ क्लोज कॉल. कई बार ऐसा हुआ, मैं एक बार गया था हिल स्टेशन पे और बिल्कुल ऐसा लगा हम बिल्कुल एज पे थे और बिल्कुल बच गए, बस जान बच गई हमारी तरह से. तो दैट इज कॉल्ड क्लोज शेव. क्रिकेट बॉल के लिए भी बहुत यूज होता है, बहुत कमेंटेटर्स बोलते हैं इट वाज अ क्लोज शेव, और मैंने बताया था इट वाज हेयर्स ब्रेथ. क्लोज शेव नैरो स्किन बताया, बिल्कुल जवाब जरा सी मार्जिन से आपकी जान बच जाए, इट वाज अ क्लोज कॉल, बस बच गया किसने. सो दैट इज रिकॉर्डेड. बैड हेयर डे, बाल खराब हो जाए तो भी कहते हैं इट वाज अ बैड हेयर डे, और बैड हेयर डे मतलब जो आपका दिन खराब हो, एवरीथिंग गोज हे वायर, उल्टा पुल्टा हो, टॉपसी टर्वी हो, आप कहें कुछ आज सवेरे निकला बाइक स्टार्ट करी वो नहीं हुई, फिर आगे गया ऑटो मिला तो ऑटो का कलर खराब हो गया, धूप आ गई तो बारिश हो गई, छाता ही नहीं गया था. सो इट वॉज अ बैड हेयर डे. अक्सर होता है लाइफ में, कहते हैं आज पता नहीं किसका दिन मुंह देख के उड़ा था, अभी आएगा अगले सेक्शन में किसका मुंह देख के उड़ा था, बड़े बताया था आपको. बैड हेयर डे व्हेन द डे इज वेरी वेरी बैड फॉर यू, इट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू कीप ऑन हैविंग प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, इंपेडिमेंट्स, दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो टू गिव ग्रे हेयर टू, अब ग्रे हेयर टू होता है जब आप किसी को यार इसने मेरे बाल पकवा दिए, इतने मुझे टेंशन दे दी, वन विच सिचुएशन दैट मेक्स यू स्ट्रेसफुल, इट इज और इट मेक्स यू वेरी टेंस्ड, सो दैट इज टू गिव ग्रे हेयर टू. ही ऑलवेज गिव्स मी ग्रे हेयर, मुझे हमेशा वो परेशान करता है, ही ऑलवेज स्ट्रेसेस मी. तो ये ऐसे भी यूज होता है, मेरे और हैं करीब बहुत सारे जिंदगी में एक्सपीरियंसेस हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो भी मुझे बहुत कहते हैं कभी बच्चा बड़ा परेशान करता है, तो दे गिव यू ग्रे हेयर टू. लेट योर हेयर डाउन, ये बहुत कॉमन यूज होता है. फुट लूज, के आज की रात मस्ती करेंगे, आज फन होगा, फंक्शन होगा, आज गाना भी बस आज की रात है, कल से वही से आते हैं. सो गिव लेट योर हेयर डाउन, एंजॉय टू द और रिलैक्स टू द मैक्सिमम. फुट लूज मतलब एंजॉय, अनवाइंड, रिलैक्स मैक्सिमम, बिल्कुल आप केयर फ्री हो जाए. सो दैट इज लेट योर हेयर डाउन टुडे, एंजॉय द बॉडी, लेट योर हेयर डाउन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट. Cheers. Yes, next is to put the hair on your chest. Now to put the hair on your chest, मतलब किसी के chest पे बाल रखना, no. It is just to invigorate, to refresh, किसी को charge up कर देना. Like when you get a drink, it might, और आजकल वो भी बहुत ad भी आता है किसी drink का, Red Bull का शायद, कि if you put the hair on your chest, that means it recharges you, it invigorates you. So that is putting the hair on your chest. Like sometimes having a lot of drinks puts the hair on the chest. What happened with Mr. Dharmendra in the Shole, you know, after having a couple of drinks, the hair was on his chest. He was completely refreshed and he started behaving like that. In the crosshair means जो की चीज जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में हो, which has become like pen, this pandemic is in the crosshair, you know, which is a thing that has been discussed by everyone. So that is sent top of the town is called, it is in the crosshair. Like to tear pull one's hair out, कई बार होता है, आह क्या हो गया भगवान, बस करो ये. मुझे कई बार बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत सारे लोगों के ऑफिस में ऐसा होता है, कई बार बहुत परेशानी होती है. You want to pull your hair out, मतलब to feel irritated, to I want to tear, you get irritated, to tear pull one's hair out means to feel irritated, to be very agitated about anything, to be infuriated. That is what. Next is to age without experience. मतलब मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं. And I have aged with experience. मैंने बाल धूप में, ये बड़ा कॉमन होता है बड़े बड़े जितने हमारे बुजुर्ग होते हैं कि बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने बाल धूप में सफेद किए हैं. So I have aged without experience और I have aged with experience, ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं. Next is not turn a hair on, not turn a hair. Not turn a hair means when you are non-reactive. जैसे मुझे एक जोक याद आ गया कि मेरे मेरे पेटर्नल अंकल चाचा मुझे सुनाते रहते हैं
कि एक बार किसी की आग लगी तो सो रहे थे, तो उन्होंने कहा शर्मा जी आग लगी, तो उन्होंने कहा सानू की, उन्होंने कहा सर आपकी बिल्डिंग में लग गई, बोले तो की दैट मीन्स ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट इज हैपनिंग अराउंड, ना ही वो कोई स्टेटमेंट से शॉक, किसी के तो होगा तो क्या होगा ठीक है यार, सो दैट मीन्स ही डजंट टर्न आवर हेयर, मतलब हु इज नॉट रिएक्टेड अबाउट शॉक इज टू द स्टेटमेंट. कीप योर हेयर ऑन, कीप योर हेयर ऑन, बैलेंस रखना आपको, कूल कंपोज काम, यू कीप योर हेयर ऑन व्हाट एवर सिचुएशन इज, डोंट लूज टेम्पर, कीप इट इजी, दैट इज कीप योर हेयर ऑन, शांत रहिए. नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, मतलब वो तो बहुत लोग होते हैं वो, मेरी ये भी खराब ना हो, मेरे बालों को स्टाइल भी खराब ना हो, द हु नोज वेरी डैपर यू नो, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, दैट इज वी कॉल इट, ही ऑलवेज नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, ही इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल इधर से कोई चीज इधर नहीं हिलती, ही डजंट टर्न और ही डजंट टर्न अ हेयर, और देयर इज नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस व्हेन आई गो टू हिज हाउस, व्हेन आई गो टू हिज ऑफिस. Next is to put on a shirt or to wear a hair, to put on or wear a hair shirt. To put on or wear a hair shirt होता है जब आप apologize करते हैं आपसे गलती हो गई, and you want to wear, I am wearing a hair shirt, that means you want to feel sorry, atonement, आपको पश्चाताप हो, so that is you always wear a hair shirt. Hey, wear a hair shirt. Hair shirt is not बालों की खेड बेलना, means I am feeling a hair shirt. That is we feel apologized. So ये सब चीजें हैं जो मैंने बात करी है. अब ये के बाद forehead, eyes, nose, head, face, बहुत सारी चीजें आएंगी. So it's very very important. जब ये चीजें समझ नहीं जान सकते तो हम आगे इंग्लिश कैसे सीखें. So this is the basic. You must know word, educate yourself, propagate to everyone. Let this video reach out to the maximum people. That is what I expect. Hope. एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो, एंड मैं बहुत सारे वीडियोज लाता रहूंगा, आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, दैट्स व्हाट आई वांट, लाइकिंग ऑल्सो, दैट इज ऑब्वियसली. एंड अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है या कॉमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी चीज़ हेयर रिलेटेड जो आपको हमें लगता है आपको लगता है मिस कर रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. टिल देन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम. हेयर के आगे की बात. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.